Hello everyone. So we have already covered modulus, we have covered series, we have covered maxima minima, we have covered mixture and allegations. I have received lot of requests from students regarding integral solution. So ye bahut bada pain area hai integral solution ka, aur questions aa hi jaate hain. If there is not a direct question, then we use these properties, we use these methods in some questions as sub part of that particular question. तो ये सात तरीके के इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं जो हमें कवर करने होते हैं. विल स्टार्ट इन ईच वीडियो विल कवर वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो इस वाले वीडियो में हम लोग पहला वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नाउ यू माइट फील इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लास्ट में वी विल गिव यू वन पर्टिकुलर फॉर्मूला विच यू कैन अप्लाई टू एवरी क्वेश्चन. तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. तो अगर हमारे पास कोई नंबर n है, उसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, a इंटू b. दिस इज द प्रॉब्लम. नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट दिस थिंग. तो इसको लिखने के लिए हमें फैक्टर की प्रॉपर्टी यूज करनी है. फैक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी? इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी. इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर क्या कहता है? इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर कहती है कि अगर हम फैक्टर्स को, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख दें, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, देन इक्विडिस्टेंट फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर देता है. फॉर एग्जांपल 12, 12 के फैक्टर अगर हमें लिखने हैं तो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. नाउ दे आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड इफ यू सी 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, दे आर इक्विडिस्टेंट. मल्टीप्लाइड बाय 12 गिव्स अस 12. 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स अस 12. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स अस 12 अगेन. तो इसका मतलब अगर हमें नेचुरल नंबर सॉल्यूशन बताने हैं, अब जब सॉल्यूशंस बताने हैं तो अगेन हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन आएंगे. एक आएगा ऑर्डर्ड वेज और दूसरा आएगा अनऑर्डर्ड वेज. नाउ आई होप कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता है तो आई विल जस्ट कवर इट इन शॉर्ट. ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जब हमें कोई प्लेस वैल्यू दी हुई है. जैसे यहां पे हमें कहा जाए राइट एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर ए एंड बी. तो नाउ वी आर गिवन नेम, वी हैव गिवन नेम्स टू दीज टू नेचुरल नंबर्स. तो अगर हम कहें कि 1 इंटू 12 इज वे टू राइट 12, तो अगर ए 1 है तो बी 12 हो गया. उसी तरीके से ए को 12 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब एक पेयर हमें कितने सॉल्यूशन दे रहा है? दो सॉल्यूशन दे रहा है. तो ऑर्डर्ड वेज क्या होंगे? ऑर्डर्ड वेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन. अगर हम फैक्टर ऑफ एन को एफ से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड वेज का? एफ. उसी तरीके से अगर अनऑर्डर्ड वेज निकालना है तो अनऑर्डर्ड वेज में क्या है? 1 × 12 इज ओनली 1 सॉल्यूशन. यहां पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा? राइट एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर. नाउ इफ यू राइट इट एज 1 × 12 और यू राइट इट एज 12 × 1, दोनों ही केसेस में सेम ही नंबर को यूज कर रहे हैं हम, 1 और 12 को यूज कर रहे हैं. तो यहां पे अनऑर्डर्ड वेज में ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है. अनऑर्डर्ड में ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ऑर्डर्ड वेज में ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है. तो अनऑर्डर्ड के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2, विच इन दिस केस विल बी इक्वल टू एफ बाय 2. ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन. होल नंबर सॉल्यूशन होगा नहीं, बिकॉज अगर किसी भी नंबर को हमने होल नंबर ले लिया तो वो जीरो दे देगा. दूसरा हो सकता है हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशंस और इंटीजर नंबर्स. दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स. अगर हम इंटीजर बोले तो सेम एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 12 × 1 = 12. सिमिलरली
माइनस 12 इंटू माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 12, यानी कि हर पेयर हमें दो सॉल्यूशन दे रहा है, एक 12 इंटू 1, एक माइनस 12 इंटू माइनस 1। तो यहां पे अगर हमें ऑर्डर्ड वेज निकालने होंगे तो क्या होगा, ऑर्डर्ड वेज विल बी इक्वल टू 2f एंड अनऑर्डर्ड वेज विल बी इक्वल टू f, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस हैं उनका डबल हो गया। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ये और यहां पे नेचुरल नंबर के केस में मैं इस साइड लिख देता हूं सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू रिमेंबर। अब ये आप कभी भी नहीं भूलोगे और इसको अगर याद कर लोगे तो इसी को हम आगे के एप्लीकेशंस में भी यूज करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर नेक्स्ट केस विच इज नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। सो वंस वील गो देयर वी कैन डिस्कस दैट। तो इसको कर लीजिए और यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट। यू कैन ऑल्सो सॉल्व अ सेक्शनल इन विच वील टेक केयर ऑफ ऑल द इंटीग्रल सॉल्यूशंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।